इदारे हुदूद में रहकर काम करें, ताकत पर कुव्वतें मुल्क की महाफिज बने, नाजायज हुकूमत की नहीं। मौलाना फजलुर रहमान का दो टोक पैगाम, कहते हैं हुक्मरानों को सुकून की नींद नहीं सोने देंगे, तहरीकें रुकती नहीं चाहे कोई साथ ना रहे, जंग में मोर्चे तब्दील होते रहते हैं। अवाम ने 5 साल के लिए मैंडेट दिया है, 5 साल बाद एहतिसाब होना चाहिए कि हमने मुल्क और अवाम के लिए क्या किया। वज़ीर-ए-आज़म की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हुकूमत में आए तो पहले दिन ही कहा गया कि ये फेल हो गए, कहा जाता था हुकूमत इसी हफ्ते घर चली जाएगी। मजदूरों में घरों की तकसीम की तकरीब से खिताब में कहा, नया पाकिस्तान नई सोच और नए माइंडसेट का नाम है। मुझे बेशक निकाल दें लेकिन ब्लैकमेल ना करें, एक जज का ब्लैकमेल होने से बेहतर है वो खुदकुशी कर ले। वज़ीर आज़म ने आईनी इदारे पर हमला किया, इलेक्शन कमीशन के बाद कल अदालत को कहा जाएगा कि इस्तीफा दे, खदशा है बहुत जल्द कायदे आज़म की जगह ज़ियाउल हक की तस्वीर लगा दी जाएगी। जस्टिस काजी फाजीसा के दलाइल, सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी दरख्वास्तें बराह रास्त नशर करने से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। वाजा की इलेक्शन कमीशन को दबाव में लाने की कोशिश, रोस्टरम पर आकर इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात लगा दिए, कहा इलेक्शन कमीशन ने ना अहली के लिए माइंड बना रखा है, गलती है तो फांसी लगा दें। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया, माइंड बनाकर बैठे होते तो इतना वक्त क्यों लेते। सवाल मुलतवी होने पर फैसल वाजा इलेक्शन कमीशन में सजदा रेस, बाहर निकल कर सहाफी से बदतमीज। नैब ने मरियम नवाज को एक और केस में बुला लिया, नैब लाहौर ने जाति उम्रा में 1500 किनाल इराजी की गैर कानूनी मुंतकली के केस में 26 मार्च को तलब किया है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ भी नैब तहकीकात में तेजी, कैप्टन सफदर समेत पूरे खानदान के असासा जात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। सेनेट में हिजब इख्तलाफ के लिए शहरी रहमान उम्मीदवार नहीं, पीपल्स पार्टी के जराये का कहना है ओहदा पीपल्स पार्टी को मिला तो यूसुफ रजा गिलानी उम्मीदवार होंगे। मुल्क में 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को कोरोना वैक्सीन लगाने का सिलसिला जारी, वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी कोरोना वैक्सीन लगवा दी, अवाम एसओपीज पर सख्ती से अमल करें, वज़ीर आज़म की अपील। मुल्क में कपास की पैदावार 36 साल की कमतरीन सतह पर आ गई, मईशत को 700 अरब रुपए नुकसान का खदशा, कॉटन जनरल्स एसोसिएशन का कहना है कि लाखों अफराद बेरोजगार हो चुके। सिंध काबीना में रद्दो बदल पर गौर, तालीम खुराक इतलात दाखिला समेत कई महकमों के वजीरों के कलमदान तब्दील होंगे, कुछ वजरा को हटाने और नए चेहरों को काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान, मिलावट भुट्टो की मंजूरी के बाद फैसला होगा। आईएमएफ की शर्त, सी पैक मंसूबों से टैक्स छूट वापस लेने की तजवीज आ गई, एफपीआर की चीनी कंपनी से ऑरेंज लाइन ट्रेन से टैक्स छूट वापस और कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट पर टैक्स बढ़ाने की सिफारिश, फाइनेंस तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। लाहौर में कमसिन बच्चे की ड्राइविंग, 24 न्यूज के मामला उठाने पर सीटीओ का एक्शन, बच्चे के जेर इस्तेमाल गाड़ी पकड़ ली, कागजात मालिक का ड्राइविंग लाइसेंस और शनाख्त कार्ड भी कब्जे में ले लिया गया।